सबका स्वागत है मीनाक्षी माथुर जी के ऑफिस में। स्टार स्टेप इनका ऑफिस है। एंड मैम, स्टार स्टेप ऑफिस में आपकी जर्नी कैसी रही? वेल, पहले तो चेतना, वेलकम टू स्टार स्टेप्स। आई एम रियली ग्लैड दैट द टीम ऑफ पत्रिका टीवी व्हिच इज गेटिंग लॉन्च्ड ऑल ओवर इंडिया हैज विजिटेड अस। थैंक यू सो मच। वेल, जर्नी मैं हमेशा से चाहती थी कि मैंने जो परेशानियां अपने लाइफ में उठाई एज इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस, व्हाट ऑल टू डू, सो दैट, क्योंकि इतने सारे किस्से सुनते हैं कि किस तरह से लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं जो मॉडल बनना चाहते हैं। कई लोग बहुत मिसगाइड करते हैं और इस कारण से काफ़ी अच्छे गर्ल्स और उनके फैमिलीज अपने बच्चों को इस फील्ड में भेजने से डरते हैं। सो आई ऑलवेज वॉन्टेड, व्हेन आई बिकेम अ मॉडल आई डिसाइडेड दैट वेरी डे दैट आई विल स्टार्ट एन अकेडमी वन डे एंड ट्रेन द राइट टैलेंट टू रीच टू द हाइट्स ऑफ देयर पोटेंशियल दैट दे डिजर्व। तो तब मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि आई वॉज माई सेल्फ बिजी डूइंग सो मेनी थिंग्स, बट देन किस्मत कहते हैं ना, अगेन जो भी आपके दिमाग में होता है इट ऑलवेज कम्स बैक टू यू एंड इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि वैसा ही होने लगता है। सो टू ईयर्स अगो आई लॉस्ट माई फादर एंड माई मदर वॉज अलोन, सो सर्कमस्टेंसेज ऐसे बन गए कि मुझे वापस ग्वालियर आना पड़ा। When I came to Gwalior, the only thing that was on my mind professionally was that this is the time when I should start an academy and start imparting my knowledge to others. Because being at Gwalior, I cannot be a model. I cannot do things which I love to do. As I said, I love the stage. But जब मेरे academy के बच्चे जीतते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं इतनी खुशी होती है एंड आई गेट सो मच इन्वॉल्व विद द गर्ल्स एंड द चिल्ड्रन एंड एवरीवन कमिंग हियर, कि जब वो जीतते हैं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें यू नो मैं जीती हूँ एंड आई फील वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो दैट्स व्हाई एज आई हैव इन माई एंटायर लाइफ डन थिंग्स विच मेड मी हैप्पी विच आई लाइक्ड, और सबको मुझे लगता है वही काम करना चाहिए जो उन्हें खुशी दे। So I'm very glad that I happened to open this Start Steps. और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यहीं पर मिलती है when I train others and जब मैं उनमें कुछ improvement देखती हूँ मुझे लगता है कि wow they can do, so that gives me a lot of happiness. मैंने स्टार्ट किया था अपने ग्वालियर में अपना अकेडमी, उसके बाद क्या रहा कि स्टूडेंट्स कितने हद तक आपके यहाँ आए, क्या एडमिशन्स हुए? या इन द बिगनिंग जब मैंने शुरू किया स्टार स्टेप्स, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, मेरे रिलेटिव्स थे, सबने मुझे बोला कि ये प्रॉपर्टी खराब मत करो, ये ग्वालियर में आप मत खोलो, खोलना है तो दिल्ली में खोलो, यहाँ खोलने से क्या मतलब निकल रहा है, बिकॉज कमर्शियली आपका बिजली का किराया भी नहीं निकलेगा, यू नो दैट्स व्हाट पीपल सेड। सो बट सिंस आई डिडंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स, आई वाज वेरी फर्म कि मुझे वही करना है जो मुझे खुशी दे। सो आई थॉट ओके फाइन, आई एम नॉट डूइंग अ कमर्शियल, नॉट थिंकिंग ऑन द कमर्शियल लाइन्स, सो इट्स ओके, लेट मी ओपन इट। एंड आई फर्मली बिलीव चेतना कि आप कहीं भी कोई भी चीज़ शुरू करो तो उसके आजू बाजू पोटेंशियल डेवलप होने लगता है, हो सकता है उसमें थोड़ा सा समय लगे। जैसे कि लास्ट ईयर हमने एक ऑडिशन किए जूनियर मिस्टर एंड मिस इंडिया के, तब ही स्टार स्टेप्स शुरू हुआ था लास्ट ईयर जून में। तो बड़ी मेहनत करी सभी कैंडिडेट्स पे, 12 बच्चों को हमने जूनियर मिस्टर एंड मिस इंडिया के लिए दिल्ली भेजा। तो वी वर वेरी लकी आई थिंक, और तैयारी बच्चों की इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि 12 में से 11 कैंडिडेट जीत गए। इवन जूनियर मिस इंडिया लड़का जो था, सॉरी जूनियर मिस्टर इंडिया, वो भी हम मुरैना का था, वो मुरैना से यहाँ पे दिल्ली आता था। अमेजिंग ना, मुरैना की बात करें तो कितना पीछा हुआ बोलते हैं उसको, मुरैना का जब कोई बंदा आकर इतना फ्रंट में हो रहा है तो बच्चा मे बी लाइक 11 इयर्स को ओल्ड किड, और उसकी मम्मा खुद रोज ड्राइव करके यहाँ पे आती थी। देयर वाज अ गर्ल शी यूज्ड टू कम फ्रॉम आगरा, उनके पापा आके यहाँ पास में एक होटल है रेडियंस होटल, वहाँ पे आकर दोनों जने रुकते थे, वीकेंड्स पे आते थे,
एंड दे जस्ट गॉट ट्रेन्ड एंड आई एम सो हैप्पी कि इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि जैसे ही स्टेज पर कोई अच्छा परफॉर्म करता नजर आता था पूरा हॉल बोलने लगता था ओ ग्वालियर ग्वालियर यू नो सो दैट वॉज द स्टार्ट एंड देन दो बॉयज को मिस्टर इंडिया का ऑडिशन किया था तो उसमें मिस्टर इंडिया के लिए भेजा था रूबरू मिस्टर इंडिया के लिए एंड देन वन ऑफ देम वन द टाइटल ऑफ मिस्टर यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स एंड देन रिसेंटली ही रिप्रेजेंटेड इंडिया एट फिलीपींस एट मिस्टर यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स कॉन्टेस्ट एंड ही वन देयर सो इट गिव्स अस रियली अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू सी आवर स्टूडेंट्स ग्रोइंग And then we also did some international contest हम यहाँ पर लेकर आए वो organize किया because मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ हूँ तो you know you never know आप आज यहाँ हो कल कहाँ हो तो you know अभी यहाँ हूँ तो what I want to give the best of what I can I do not know about the future so like today we had a shoot here Today we had a shoot and the photographer who is you know really talented. आपके academy के students का क्या presentation रहा है अभी आपके academy में? Well क्या presentation रहा है? Modeling में लेकर हाँ हाँ तो ये अभी फिलहाल Femina Miss India contest के auditions होने वाले हैं मध्य प्रदेश auditions मार्च में है और हम लोग चाहते हैं कि हर स्टेट से एक गर्ल सेलेक्ट होती है Femina Miss India में पिछले साल भोपाल से सेलेक्ट हुई थी आतिया श्रीवास्तव एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ग्वालियर से इस साल अच्छा रिप्रेजेंटेशन जाए और उम्मीद है कि यहाँ से मिस इंडिया मध्य प्रदेश मिल सके सो वी हैव girls jinka aaj photo shoot tha and we are going to be sending those pictures the photographer is also here if you want we can yes, you can meet them please please so we have Ibneet here hi and that is Siddhi hello they both as you can see are slim and pretty and you know they have all the potential to be the next Miss India so we are trying to groom them and make them better and best to the best of their potential and you know we hope they will bring glory to Gwalior hello kaisa laga aapko mam ke academy mein and I guess I joined it last month only and I guess I have improved a lot either it be a photo shoot or a makeup today also I have done this makeup on my own and all credits goes to mam only किस तरह मैम आपको मोटिवेट करती हैं आपकी मॉडलिंग के लिए मैम एज अ मैं बोलूँ तो एज अ मदर नो सीरियसली शी इज अ वेरी सपोर्टिव एक्चुअली वो हमको अगर कोई चीज नहीं भी आती है ना तो ऐसे बताते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है कोई बात नहीं आज नहीं आया कल आप जरूर सीख जाएंगे और सक्सेस के लिए हमेशा हम लोगों को मोटिवेट करती ही रहती हैं ऐसे नहीं इसको इस तरह से ट्राई करो ये ड्रेस नहीं ये ड्रेस आप पहनो आप बहुत अच्छे लगोगे आपको स्टैंडिंग कैसे करना है आपको किसी से बात कैसे करना है वो सारा चीज मैम हम लोगों को सिखाती है और इन चीजों के लिए मैम हमको जितना हो सकता है उनसे वो हमको मोटिवेट करते हैं लास्ट वन ईयर्स वन मंथ से हम लोग तैयारी कर रहे हैं आज ही मुझे एक महीना हुआ है 9 जून को मैंने ज्वाइन किया था आज 9th फर्म है तो तैयारी कर तो ये कहें पहले मैं घर में रहती थी और ऐसे नॉर्मल ड्रेसअप रहता था मेरा और घर में काम करना है स्कूल में जॉब करती हूँ ऐसे जॉब करती थी और बस ये पूरी मेरा दिन का टाइम होता था बट जब से यहाँ आई हूँ तब से मैं अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ और मुझे लगने लगा कि हाँ मैं भी मॉडल बन सकती हूँ मेरा बहुत अच्छा चल रहा है मैम की प्रॉपर गाइडेंस एंड मोटिवेशन से अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो रहा है एंड आई थिंक कि आई कैन डू इट एंड आई कैन विन द कंपटीशन बेस्ट ऑफ लक थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू सो मच इतना थैंक यू पत्रिका